जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र में अर्की कांग्रेस द्वारा पुलिस भर्ती में पेपर लीक घोटाले के विरोध में रोष रैली और प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन अर्की कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। रैली के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अर्की के कार्यकारी SDM एवं तहसीलदार रमन ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। रैली के बारे में जानकारी देते हुए अर्की कांग्रेस अध्यक्ष सतीश कश्यप ने बताया कि गत दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती घोटाले के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल और प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले की उचित जाँच की जाए और ये जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए, क्योंकि जब पुलिस विभाग की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही है तो वे निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं। आज जो हमारा पार्टी हाईकमांड की तरफ से माननीय प्रतिभा सिंह वीरभद्र जी की तरफ से जो हमारे को पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो हमारे को आदेश किए हैं कि हिमाचल सरकार में जो पुलिस भर्तियों के खिलाफ जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में पूरे हिमाचल प्रदेश में सब डिविजनल हेडक्वार्टर पे कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इससे पहले भी कई विभागों के जिन्हें लिखित परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुए और ये बड़े शर्म की बात है कि जो हिमाचल में पुलिस विभाग के जो पेपर लीक हुए, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जो करप्शन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी करती है उन्हीं के विभाग में इस तरह की धांधली हुई है, तो बहुत ही शर्म की बात है। हम सरकार से भी मांग करते हैं, राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इसमें CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पूरी तरह से जो इस तरह के लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं उनको पूरी तरह बेनकाब किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।